हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, गर्मी बढ़ गया है, क्वाल भी बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी हमने इंडियन रेड स्नेक को रेस्क्यू किया कि वो बहुत ही बिग साइज सांप है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है, कम से कम 6 से 7 फीट के लमसम। तो अभी उसको लेके आए हैं यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में रिलीज करने के लिए। तो उससे पहले बहुत थोड़ा सा जानकारी देते हैं, उसके बाद उसको नेचुरल हैबिटेट में रिलीज करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के आखिरी तक बने रहें, थोड़ा बहुत देंगे जानकारी और आप तक मैसेज के माध्यम से पहुंचाएंगे कि सबसे क्या होता है या नहीं होता है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो फ्रेंड, देख सकते हैं वो सांप यही है जिसको हमने यहीं पे रिलीज करने के लिए लेके आया है। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक नदी है और यहाँ पे इसको भोजन खाना पानी हमसे मिलता रहेगा। तो फ्रेंड, अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, क्योंकि हमारे आने वाले अपडेट सबसे पहले आपके फोन में हो। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा सांप है, मेरे से भी लंबा है ये सांप। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, मेरे से भी ये लंबा है सांप। तो फ्रेंड, यह सांप जितना बड़ा होता है, लोग देख के इसको अधिकतर डर जाते हैं। तो जितना बड़ा होता है सांप, उतना दिखने में भी खतरनाक होता है और लोगों को डर भी लगता है। तो ये हम हमारा कोई पालतू सांप नहीं है, ये एक गांव से मैंने रेस्क्यू किया है और ये नेचुरल में पले बड़े हैं। ये कोई हमारा पालतू सांप नहीं होता, क्योंकि कई सारे कमेंट भी आते हैं कि सर आप सांप को पालते हो और इसलिए आपको बाइट नहीं करता है। लेकिन ये कब काटेगा ये हमें भी पता नहीं है कि किस टाइम काटेगा। ये अभी भी काट सकता है या तो थोड़ी देर बाद भी काट सकता है। लेकिन सांपों को पकड़ने की कला है, इसको स्लोली स्लोली पकड़ना पड़ता है, तो सांप कभी किसी को बाइट नहीं करता है। इनका मुख्य भोजन है चूहा, मेंढक, और आप देख सकते हैं इसको थोड़ा जख्म भी हमें लग रहा है कि इसके यहीं पे थोड़ा जख्म भी होगा, एक बार ये कहीं फंसा। तो फ्रेंड, आपको एक बार करीब से दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक जख्म टाइप का दिख रहा है इस पार्ट में, इस एरिया में। मेरे को लगता है कहीं ये जाल में फंस के भी एक बार बच चुका है। ये देखो, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है हल्का सा। तो फ्रेंड, सांप कभी को ऐसा बेफालतू तो कभी किसी को नहीं काटता है। जब इसके साथ छेड़छाड़ होता है और जब ये पैर के नीचे आता है या तो हम डंडा से इसको मारते हैं, उसी टाइम ही सांप इंसान को बाइट करता है। सांप हमारे घर पे आने का मतलब ये नहीं है कि हमें काटने के लिए आ रहा है, ये अपने भोजन की तलाश में आता है। तो सांप का बेंडी टेम्परेचर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कन्फ्यूज हो जाता है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है और वो अपने भूख को ढूंढता रहता है। इस दौरान लोगों के घर से या तो वो भोजन ढूंढने के लिए कहीं हद तक जा सकता है, क्योंकि हम पैसा कमाते हैं, हम घर पे कुछ भी चीज़ खरीद के खा सकते हैं। लेकिन इनकी धन दौलत इनका भोजन ही होता है, जो कि ये अपने मेहनत से एक चूहा को भी शिकार करे तो ये उनका मेहनत होता है। तो इसी दौरान लोगों के घर में अक्सर आया करता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, हमारा वेस्टेज खाना चूहा खाता है और चूहा को खाने के लिए सांप आता है। तो ये एक इकोसिस्टम है जो एक दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे हम अनाज नहीं खाएंगे तो हम कैसे जियेंगे, ये चूहा नहीं खाएगा तो ये कैसे जियेगा। कि पूरी तरीके से बिना जहरीला सांप होता है, क्योंकि यह सांप कभी इंसान को जल्दी तो काटता नहीं है, बाइट तो करता ही है लेकिन जल्दी नहीं काटता है। जब इसके साथ छेड़छाड़ या तो इसे कोई मारने की कोशिश करता है या तो ये कहीं छुपा हुआ होता है, अचानक हमारा पैर वहां चला जाए तो डर के मारे काटता है अपने बचाव के लिए। इसीलिए गर्मी बढ़ गया है, घर के आसपास सुरक्षित सांप रखें ताकि सांपों से आपको भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सांप कहीं पे भी हो सकता है। और नेक्स्ट एक चीज बता देता हूँ कि जब भी आप सुबह जूता पहने शाम को या तो ड्यूटी जाते समय, किसी भी वक्त कहीं घूमते समय, तो एक बार जूते के अंदर जरूर चेक करें कि वहां पे कहीं सांप तो नहीं बैठा है, क्योंकि एक बार जांच करके जरूर पहने। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है, 6.5 से 7 फीट का ही होगा। तो फ्रेंड, अगर हमारे जानकारी से आप संतुष्ट हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी इसको करते हैं नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़। तो आप देख सकते हैं वेरी बिग साइज। डरना मत कैमरामैन हमारे।
तो फ्रेंड मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।